हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि और आज संडे गार्डन अपडेट में मैं थोड़े से अपने वेजिटेबल प्लांट दिखाऊंगी और कुछ अपने ऊपर टॉप रूप में जो फ्लावर है वो दिखाऊंगी, क्या क्या ब्लूम हुए हैं और जो मेरे फ्री के प्लांट थे उसमें भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग शुरू हो गई है, फूल खिलना शुरू हो गया है। और ये देखिए मेरे ये जो भथुआ पेठा बोलते हैं, एस गार्ड जिसे बोलते हैं, वाइट पम्पकिन भी बोलते हैं, तो देखिए बहुत सारा ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत खुशी होती है। और हम लोग दिल्ली में रहते थे तो ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन ये होम टाउन में देखने को बहुत मिलता है। और ये मैंने नीचे ग्राउंड फ्लोर से ये ऊपर चढ़ाया हुआ है, तो इसका मिठाई बहुत अच्छा होता है, सब्ज़ी भी बनता है। और ये सारे मेरे तोई के बेल हो जा रहे हैं। और इधर देखिए, इधर मेरे जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही अमरूद लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सेकेंड फ्लोर में ऊपर रहते हैं तो ये ऊपर तक आया हुआ है। और ये देखिए लग रहा है इसे किसी चिड़िया ने खा लिया है, तो बहुत सारी यहाँ चिड़िया आती है और बहुत जब इस चिड़िया की जब साउंड आती है तो बहुत अच्छा लगता है, चहचहाने की आवाज़ आती रहती है। और देखिए ये अब पकना शुरू हो गया है, तो ये सालों भर देने वाला ये अमरूद है। ये गर्मी बरसात सब में होता है। ये देखिए अब मैं ऊपर आ गई हूँ तो धूप बहुत तेज़ हो गई है। और ये देखिए ढेरों तितलियाँ फूलों पर बैठी रहती हैं और पॉलिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए बहुत सारा अब इसमें तुरई आना शुरू हो गया है, ऐसे फैला हुआ है। और इधर मैंने फ्लावरिंग प्लांट रखे हैं, तो देखिए कितनी ये जो मैं फ्री का ये सारे कॉस्कॉम जो मुर्गा कली बोलते हैं लेके आई थी, वो फ्लावरिंग होने लगा है। और ये गेंदा पिछले साल का ही है, खुद से ये बीज से गिरा हुआ, खुद से अपने आप ये हो गया है। और इसके जो छोटे छोटे कटिंग मैंने लगा दिए हैं, तो इसमें भी देखिए कटिंग से लगा हुआ में बहुत जल्दी फ्लावर आने लगते हैं, तो आप भी टिप जो पुराने पौधे हैं उसको काट के लगा दीजिए और तो बहुत फ्लावरिंग आती है और बहुत जल्दी फ्लावरिंग आती है और उसके फूल भी बहुत अच्छे और हेल्दी होते हैं। तो देखिए कितने अच्छे हुए हैं। और ये सारे इधर मेरे कॉस्का मुर्गा कली लगा हुआ है, तो देखिए कितने अच्छे कितने खूबसूरत हैं, दो कलर में है, ये पिंक कलर है तो बहुत ही खूबसूरत कलर का फ्लावर है और बहुत ही मखमल की तरह इसके फ्लावर होते हैं। और ये येलो कलर वाला है, तो देखिए ये भी कितना खूबसूरत है। और ये मैंने आपसे शेयर ही किया था कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से लेके आई थी और कुछ प्लांट अपने मदर के यहाँ से भी लेके आई थी, छोटे छोटे पौधे लेके आई थी। और ये ऐसा प्लांट है कि जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते हैं ढेरों इसके प्लांट खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। और देखिए खूबसूरती में कहीं भी कमी नहीं है और सारी ये फ्री के ही हैं। और ये भी एक है, तो इसकी थोड़ी सी अलग इसमें फ्लावर आते हैं, लंबे लंबे से आते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत बुके की तरह लग रहा है, गुलदस्ते की तरह, तो बहुत ही ये फ्री के प्लांट मेरे सारे खिलने लगे हैं। और इधर सारा मेरा ये हाइब्रिड वाला पिंक कलर विंका है, तो विंका को बचाने के लिए इसकी कटिंग खूब सारी लगा दीजिए ताकि एक मरे तो दूसरा बचा रहे। और देखिए वहाँ से मैंने उठा के यहाँ मैंने सारे रख दिए हैं, एक साथ रखने में पानी देने में भी आसान रहता है और अच्छा भी लगता है एक साथ जब ब्लूम होते हैं खिलते हैं तो सारे प्लांट। तो और ये सारे देसी वाले, तो देसी वाले भी देखिए कितना खूबसूरत है और सबसे मतलब बिल्कुल नहीं केयर के बराबर ये प्लांट है और खुद ब खुद ये नीचे से ग्रो हो जाते हैं, ये वाइट वाला देसी वाला है। और देखिए एक साथ सब रखने पर कितना खूबसूरत लगता है। और इसमें एक और कॉस्कॉम लगा दिया था और ये मेरे एरिका पाम है, तो एरिका पाम मेरे छत पर ही रखा हुआ है। और देखिए कुछ ये नीचे से ये ख़राब हो गया, इसको कट करके हटाना पड़ेगा, इसकी खूबसूरती पत्तियों से ही होती है, तो इसको नीचे से कट करके हटाना पड़ता है। और ये मेरा चाइनीज लकी बम्बू है, पतले पतले घास की तरह इसमें पत्ते आते हैं। और ये तो मेरा क्रैनबेरी हिबिस्कस, तो दो चार मैंने प्लांट इस बार कटिंग से ग्रो किया है ये, और इसमें एक लगा हुआ है देखिए कितना। और ये एक ये बाल्टी में लगा हुआ है जो प्लास्टिक की बाल्टी आती है, खूब फ्लावर देखिए, ये विंटर का बहुत ही खूबसूरत गुलहर है, हिबिस्कस बोलते हैं इसे, क्रैनबेरी हिबिस्कस, बीजों से कटिंग से बहुत ईजी से ये ग्रो हो जाता है और ढेरों ऐसे फ्लावर आते हैं। बट ये शाम एक ही दिन का फ्लावर है, दोपहर के बाद ये बंद हो जाते हैं, धूप जाते ही बंद हो जाता है। और ये केला का प्लांट है, इसमें पूजा होती है। और ये देखिए इसका ये मैंने रिपोर्ट कल किया है,
इसका जो पे भी ये एक आटे की जो गुड़िया होती है उसमें लगा हुआ था, फट गया था, तो मैंने इसको छाया में रख दिया है ट्रांसफ़र करके। तो बड़ा प्लांट था और ये तो हल्दी बोलते हैं, हल्दी भी आया था नवंबर दिसंबर में आया था, उसी समय मैंने ग्रो किया था तो लगा दिया था। इसी बेकार से एक पॉट था उसी में। ये मेरी तुलसी माता है, तुलसी लगा हुआ है इसमें, और जेट प्लांट है, ये भी कटिंग से कुछ दिन पहले लगाया हुआ था, 1 मंथ हुआ। और इधर ये देखिए मधुकामनी, जो टेबल मधुकामनी है, फिर से इसमें ढेरों देखिए कलियां आना शुरू हो गई है। तो एक बार जब ब्लूम हो जाती है तो उसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर देते हैं, ऊपर से टिप हटा देते हैं, तो फिर से दोबारा उसमें ब्लूमिंग शुरू हो जाती है। और ये एस्पैरेगस देखिए, इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती है और लगाना भी ईजी है। और नीचे देखिए लहसुन की तरह इसमें छोटे छोटे ऐसे बल्ब बनते हैं, और इसे अलग अलग करके आप बहुत सारा लगा सकते हैं। और एलोवेरा की देखिए कितनी अच्छी हेल्थ है। और ये भी कटिंग से इनका लगा दिया था मैंने सदाबहार, तो कटिंग से मैंने छोटे छोटे बहुत जगह लगा दिए ताकि एक प्लांट ख़राब हो तो दूसरा प्लांट बचा रहे। बीज भी इस समय बहुत हो रहे हैं। और इधर सारे ये मनी प्लांट है, इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है। और ये बोगनवेलिया में देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग शुरू हो गई है, और बहुत अच्छी ब्लूमिंग है, कुछ फ्लावर तो पूरा झड़ गए हैं अभी भी है कुछ। और ये टीन का जो आता है ऑयल वाला, उसमें लगाया था, आपसे शेयर भी किया था, तो बहुत अच्छी ब्लूम हो रही है इसमें, और पिंक कलर बहुत खूबसूरत है, तो बहुत अच्छी। अब इसमें मस्टर्ड केक का जो फर्टिलाइज़र होता है लिक्विड करके दिया था, अब विंटर में आराम से आप दे सकते हैं मस्टर्ड ऑयल। और ये कनेर है जो पिंक कलर, प्रूनिंग के बाद देखिए फिर से इसमें देखिए यहाँ से प्रून किया था, 3 ब्रांच निकले और तीनों ब्रांच में ये फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो कभी फ्लावर हो तो उसमें कट करके हटा दें तो उसमें से नई ब्रांचेज और ब्लूमिंग होती है। तो देखिए ये सारे कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो ये मेरा एक छोटा सा संडे गार्डन ओवरव्यू था, ये छोटा सा, होप आपको पसंद आएगा। तो थैंक यू।